इसराइल और हमास के बीच लगातार जंग जारी है। अब हमास के खिलाफ जंग के 10वें दिन इसराइल गाजा पट्टी में फुल एंड फाइनल वॉर के लिए तैयार है। गाजा पट्टी में हमले के सायरन की गूंज सुनाई देने लगी है। माना जा रहा है कि इजरायली फौज कभी भी जमीनी ऑपरेशन शुरू कर सकती है। इसराइल के 1,00,000 सैनिक और करीब 2,000 से अधिक टैंकों ने गाजा पट्टी को तीन ओर से घेर रखा है। ये सैनिक राजधानी तेल अवीव से हरी झंडी मिलने का इंतजार कर रहे हैं। आदेश मिलते ही इजरायली सैनिक गाजा शहर में जमीनी हमला शुरू कर देंगे। उधर इसराइल और लेबनान में आतंकी संगठन हिजबुल्ला के बीच गोलीबारी जारी है। इसराइल ने 28 शहरों में इसराइल लेबनान सीमा के 2 किलोमीटर के भीतर रहने वाले इजरायली नागरिकों को निकालने के लिए तैयारी शुरू कर दी है। इसमें अश्कलोन और सेड्रोट शहर शामिल हैं, जहां से लोगों को हटाना शुरू कर दिया गया है। इतना सब कुछ होने के बाद अब साफ है कि इजरायली सेना कभी भी कार्रवाई कर सकती है। उधर हमास ने गाजा पट्टी के लोगों से इसराइल की चेतावनी की ओर ध्यान न देने के लिए कहा है। हमास ने लोगों से अपील की है कि वे गाजा पट्टी में ही रहें। गाजा पट्टी में फिलिस्तीनियों की 20 लाख आबादी रहती है। इसमें महिलाएं और बच्चे बड़ी संख्या में शामिल हैं। इसे दुनिया के सबसे घनत्व आबादी वाला क्षेत्र माना जाता है। यही वजह है कि इसराइल ने वहां के नागरिकों को गाजा खाली करने की चेतावनी दी है। उसकी चेतावनी के बाद गाजा पट्टी से करीब 4,23,000 लोग पलायन कर चुके हैं। इस जंग में अब तक इसराइल के हमलों से गाजा में 2,700 फिलिस्तीनियों की मौत हुई है, जिनमें 724 से ज्यादा बच्चे और 370 से ज्यादा महिलाएं शामिल हैं, जबकि 10,000 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। वहीं हमास के हमले में करीब 1,400 इजरायली मारे गए हैं।